आम आदमी पार्टी के द्वारा भी अब मध्य प्रदेश में पूरी तरह से संगठन को तैयार किया जा रहा है। आगामी नगरपालिका चुनाव के लिए आम आदमी पार्टी ने अपनी कमर कस ली है, यहां तक कि उसने अपने प्रत्याशी की घोषणा भी कर दी है। आम आदमी पार्टी कार्यालय में एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया, पदाधिकारियों के लिए नियुक्ति पत्र का वितरण किया गया, जिला स्तर पर ब्लॉक स्तर पर पदाधिकारियों की नियुक्ति की गई और उनको नियुक्ति पत्रों का वितरण किया गया और आगामी नगरपालिका नगरीय निकाय चुनाव के लिए कमर कसने की बात भी कही गई। महात्मा गांधी, महात्मा गांधी, महात्मा गांधी। पुरुष जो है उनका भी है, फिर अल्प आपका ये दमोह ब्लॉक की घोषणा है, पथरिया ब्लॉक अध्यक्ष और उपाध्यक्ष पूरी टीम है, भटियागढ़ ब्लॉक अध्यक्ष और उनकी पूरी टीम है। इस तरह से तीन ब्लॉक सी वाई एस एस में सी वाई एस एस के नगर अध्यक्ष की नियुक्ति है, उपाध्यक्ष सचिव सह सचिव सोशल मीडिया प्रभारी और पहली बार महिला विंग की नियुक्ति हो रही है। अल्पसंख्यक प्रकोष्ठ में पूरी महिला विंग से उठ के हितबद्धता और एक भाईचारे के रूप में काम करने का मौका मिला और हम अपने आप को सौभाग्यशाली समझते कि गुरु जी के सानिध्य में हम पार्टी को आगे बढ़ा रहे हैं। इस पूरे संगठन में हमारे आदरणीय मार्गदर्शक चंद्रमोहन गुरु जी से विचार विमर्श हुआ, उनकी सहमति से पार्टी हमें अध्यक्ष नियुक्त किए, लेकिन हम अपने हिसाब से हमें गुरु जी को अध्यक्ष मानते हैं। तो ऐसे CYSS छात्र युवा संघर्ष समिति, छात्र युवा संघर्ष समिति, अपन को ये बहुत हर्ष की बात है, खुशी का विषय है कि दमोह में पहले परिचय बापू घुमा रहा है ना, हाँ जूते सिर्फ इतना बोलना चाहूंगा कि पार्टी नहीं है, विचारधारा नहीं है, लेकिन ये देश हित में है। तो जो व्यक्ति भी आज पदभार ग्रहण कर रहे हैं, जिनको नियुक्ति पत्र मिल रहे हैं, वो बहुत, मुझे ऐसा लगता है और मैं ऐसा बोलना भी चाहूंगा कि वो बड़ी ईमानदारी से बहुत अच्छे कर तो फिर निष्ठा से अपना काम करें। ज्यादा ना बोलती हूँ मैं, इतना बोलूंगा कि आप सभी लोग आम आदमी पार्टी को जिताने में अपना बहुमूल्य समय बहुमूल्य योगदान अवश्य दें। लोगों को मेरी हार्दिक शुभकामनाएं, आपका स्वागत है। मैं अपना परिचय दे दूं, मैं चंद्रमोहन गुरु एडवोकेट दमोह में ही अपना वकालत व्यवसाय करता हूं। मूल रूप से मैं पथरिया का निवासी हूं, पिछला चुनाव भी मैंने पथरिया विधानसभा का लड़ा था 18 में आम आदमी पार्टी के प्रत्याशी के रूप में, और मुझे जिले के संगठन मंत्री के रूप में जिम्मेदारी दी गई है, तो जितनी भी अपनी सामर्थ्य को उसके अनुसार अपना सभी काम करते हैं। हमारे अध्यक्ष महोदय ने थोड़ी ज़्यादा बढ़ा चढ़ा के प्रशंसा कर दी है, उतना तो नहीं है, हाँ तो जितना अपना अपन से बन सकता है पार्टी की अपन सेवा करते हैं। 2012 से हम लोग जब अन्ना हजारे का आंदोलन शुरू हुआ था तभी से हम लोग इस क्रांति से जुड़े हुए हैं। जब आम आदमी पार्टी का गठन हुआ उसके बाद आम आदमी पार्टी की जो पहली सदस्यता शुरू हुई थी ऑनलाइन होती थी, उसमें पहले राउंड में ही हम लोग सदस्य बन गए थे।
और जो फंडिंग भेजी जाती है दिल्ली में वो अपने खाते को जोड़ दिया जाता है उनके अकाउंट से, तो बकायदा 100 रुपये महीने मैं वहाँ पे अपना योगदान लगातार सन 12 से दे रहा हूँ। आज नियुक्ति पत्र प्रदान किए गए, जैसा कि प्रदेश इकाई के द्वारा निर्देशित किया गया कि नगरीय निकाय चुनाव एवं पंचायत चुनाव को ध्यान में रखते हुए जिला अध्यक्ष अपने स्तर पर संगठन को मजबूती प्रदान करने के लिए जिला संगठन मंत्री के विचार विमर्श से संगठन तैयार करें। तो ये जो संगठन है वो दमोह नगर के लिए पहली बार ये अच्छा मौका है कि महिला संगठन मिला है, महिला अल्पसंख्यक संगठन पूरा 7-8 उसमें महिलाओं की पूरी टीम है, सी छात्र संघर्ष युवा समिति है, सी वाई एस एस ये पहली बार है कि दमोह में सी वाई एस एस का नगर अध्यक्ष होगा, और दमोह ब्लॉक अध्यक्ष उपाध्यक्ष सचिव पथरिया ब्लॉक की घोषणा हुई है, अध्यक्ष उपाध्यक्ष और पटियागढ़ का, शेष ब्लॉक जो है जबीरा पटियागढ़ पटीरा और हट्टा इनकी बाद में होगी। आज ये नियुक्ति पत्र प्रदान करके लोगों को अपनी जिम्मेदारी दी गई है और आशा करते हैं कि आम आदमी पार्टी अपने नगरी निकाय चुनाव में श्रेष्ठ प्रदर्शन करेगी। अध्यक्ष पद हेतु भी आपने प्रत्याशी और आम आदमी पार्टी ने नगर पालिका पद के अध्यक्ष पद हेतु अनुभव से गौतम के लिए नियुक्त किया है, और पूरी आम आदमी पार्टी पुरजोर मेहनत करके हम अपने प्रत्याशी को जिताएंगे, और दमोह के 70 सालों के इतिहास में आम आदमी पार्टी का अध्यक्ष होगा जो आपके इस चैनल के माध्यम से कह रहे हैं कि जो पहली बार होगा कि नगर पालिका आई आपके द्वार, यानी हमारा अध्यक्ष वार्डों में जाएगा पूरी टीम लेके पूरे अमले के साथ, यानी जो भी समस्याएं हैं, जैसे आज तक जो थ्योरी बनी है लोगों के बीच में कि नगर पालिका में काम नहीं होते, बिना रिश्वत के काम नहीं, जैसा कि आपको मालूम कि सिर से पैर तक भ्रष्टाचार में नगर पालिका डूबी है, लेकिन आम आदमी पार्टी के का अध्यक्ष होगा तो सिर से पैर तक नगर पालिका निष्कपट होगी, और हर व्यक्ति को अपने नगर पालिका के काम कराने में सुविधा होगी। रोड नाली लाइट पानी ये तो सामान्य बातें हैं, जैसे कि हर वार्ड की एक अपनी समस्या होती है, कहीं पर किसी वार्ड में पॉश एरिया है तो कहीं रिक्शा स्टैंड नहीं है, कहीं पर अवैध शराब की बिक्री हो रही तो कहीं पर जुआ हो रही है, जुआ फड़ चल रहा है, इन सब चीज़ों पर आम आदमी पार्टी अपने स्तर पर निगरानी रखेगी, महिला सुरक्षाओं को ध्यान में रखेगी कि जहां कॉलेजेस हैं वहां पान के टपरे हैं, लड़के हैं गुमटे, मतलब जैसा कि एक आपको रोल मॉडल दिखेगा कि मध्य प्रदेश में दमोह में अध्यक्ष इतने अलग ढंग से काम करेगा जो एक आदर्श प्रस्तुत करेगा।